Hey guys, welcome back to my channel. So first of all, जिसने भी इसके previous episode नहीं देखे हैं, फटाक से ही comment box को check कीजिए, link आपको वहीं पर मिल जाएगा। क्योंकि story बहुत ही ज़्यादा interesting है and I hope कि आपको भी अच्छी लगी रही होगी। So दोस्तों, इस part की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ last part का the end हुआ था। Next day band का एक photo shoot हो रहा होता है कि तभी कुछ reporters वहाँ घुस कर उनसे जी और नोट के relationship के बारे में question करने लग जाते हैं। तो मिक्स मुसीबत से बचने के लिए जीडी को उसकी तबीयत खराब होने का नाटक करने को कहता है और जीडी वैसा ही करता है, जिससे कि सारे रिपोर्टर्स फिर वहाँ से चले जाते हैं। मिक्स नॉट को ये एडवाइस देता है कि वो ये न्यूज दे दे कि तुम जहाँ को डेट कर रहे हो, जिससे फिर लोगों का जी के ऊपर से ध्यान हट जाएगा। लेकिन नॉट को तो भाई इस बात की परेशानी होती है कि चांद के लिए तो उसके दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं थी। जी की उसे बहुत ज्यादा याद आने लग जाती है और इसलिए उसका हाल पूछने के लिए वो उसके सीधा घर ही पहुंच जाता है। पिज्जा ऑर्डर करके वो जी को बोलता है कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बता देना चाहिए कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। जी फिर उससे सवाल करते हैं, क्या सच में ही ऐसा है, हमारे बीच में सच में कुछ भी नहीं है? डॉट फिर उसके साथ वाले सारे मोमेंट को याद करने लग जाता है। डोरबेल फटाक से बज जाती है, जैसे ही वो डोर खोलती है तो अचानक से गायब हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम जी को शादी की ड्रेस पहने हुए क्लाइंट के साथ में देखते हैं, जहां पर जी के पेरेंट्स ने तो उसकी शादी बिना पूछे ही उससे तय कर दी थी और आज शुभ मुहूर्त की वजह से उसे वहां पर उठा कर ले आए थे। जी वहां से निकलने की सोच रही होती है कि वहां पर फिर से एस्ट्रोलॉजर उसे कॉल करके वार्न करने लग जाती है कि आज तुम्हारा लक बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन तुम्हें कोई व्हाइट ड्रेस वाला ही बचा सकता है। ये सुनकर तो जी बाथरूम का बहाना बनाकर यूंग को कॉल करके व्हाइट ड्रेस पहनकर वहाँ पर आने के लिए बोलती है। यूंग के वहाँ पर पहुँचते ही जी विंडो से निकलकर वहाँ से भाग जाती है और यूंग को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है, जहाँ पर तभी मिक्स यूंग को कॉल करके स्टूडियो आने के लिए बोलता है क्योंकि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहा था, जहाँ वो नोट को पहले ही समझा देता है कि उसे कॉन्फ्रेंस में बस यही अनाउंस करना है कि तुम और जान दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। यूंग भी जी को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। नॉट जी को देखकर उसे पूछता है कि वो अचानक से उस दिन कहाँ पर गायब हो गई थी, लेकिन जी तो उसे शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताती है कि तभी नॉट जी से कहता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो रिपोर्टर से क्या कहने वाला है। यहाँ पर दोस्तों उसके फेशियल एक्सप्रेशन से साफ हो जाता है कि जो भी वो जी के लिए फील करता है वो सबके सामने वही बोलने वाला है। लेकिन तभी जी और उसके क्लाइंट की शादी की फेक न्यूज मिल जाती है, जिसे देखकर वो सबको बता देता है कि वो और चाम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं क्योंकि अपने हीरो का तो दिल ही टूट गया था। ये देखते ही जी तो काफी ज्यादा हर्ट होकर वहाँ से चली जाती है और वहीं मिक्स और चाम काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी खुशी में मिक्स सबको पार्टी देने लगता है। लेकिन नॉट और यूंग दोनों के दोनों बिल्कुल भी उससे खुश नहीं थे। यूंग नॉट से पूछता है कि तुम तो काफी फेमस हो गए होगे इसलिए बहुत खुश भी होगे, लेकिन नॉट बोलता है कि नहीं, मैं तो बस ये सब कुछ अपने बैंड के लिए ही कर रहा हूँ, जिसे मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और यूंग जी के लिए फिर उसके फीलिंग्स के बारे में पूछता है तो नॉट बोलता है कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है और तो और अब तो वह शादी करके सेटल ही समझो। लेकिन फिर यूंग उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहता है जी की शादी की जो भी न्यूज आई ना वो सारी की सारी फेक है, लेकिन अच्छा ही है जी को अब तो मुझ पर छोड़ दो। और वहीं जी जॉब ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है, लेकिन बेचारी को तो कोई जॉब ही नहीं मिलती और वो मिक्स से जाकर फिर से रिक्वेस्ट करती है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मिक्स फिर उसके सामने दो कंडीशन रखने लग जाता है, पहला कि वो नॉट से बहुत दूर रहेगी और दूसरा रिन के साथ उसका पैचअप करवाने में उसे उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, जिससे कि जी तो उसकी दोनों कंडीशन मान लेती है और नॉट से दूर रहने लगती है, सीधा उसे इग्नोर मारने लगती है। साथ ही वो रिन को मनाने की कोशिश भी कर रही होती है, लेकिन रिन उससे बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो रिजेक्शन तो बिल्कुल भी झेल ही नहीं सकती। जहाँ पर तभी जी नॉट का शेड्यूल देखती है तो उसे ये पता चलता है कि अभी नॉट का एक मैगजीन इंटरव्यू होने वाला है, लेकिन वो चाम के साथ बाहर है तो इस बारे में उसे क्या करना चाहिए, और यही पूछने के लिए वो मिक्स के पास पहुँच जाती है। लेकिन मिक्स किसी और ही एम्प्लॉय के साथ में रासलीला में बिजी होता है। ये देख कर तो वो उसको रिन का ख्याल रखने को कहती है जो कि उसकी वजह से ही प्रेग्नेंट थी, लेकिन मिक्स उसे जॉब की धमकी देकर चुप करा देता है। जी नॉट को इंटरव्यू के लिए कॉल करती है, लेकिन कॉल तो चाम रिसीव करके उसे बहुत भला बुरा सुनाकर काट देती है। जब लेट नाइट स्टूडियो पहुंचकर नॉट फिर इंटरव्यू के बारे में पूछता है तो जी उसे रेस्ट करने के लिए कहती है और पूरे दिन की थकान के कारण वहीं सो भी जाती है। नॉट फिर उसे कोट उड़ाकर वहां से निकल जाता है, जहां वो फिर एक रूम में जीडी और यूंग को बात करते हुए सुन लेती है कि मिक्स अभी नॉट और चाम पर फोकस कर रहा है, कहीं उसने हमें डिसबैंड कर दिया तो। जी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और फिर तीनों मिलकर बाहर ड्रिंक करने के लिए जाते हैं।
जहाँ पर जीडी के रंग हो जाने पर यंग उसे घर भेज देता है कि तभी जी यंग से कहती है कि अगर तुम्हारा बैंड डिसबैंड भी हो गया तो फिर भी तुम हार मत मानना और आगे बढ़ने की सोचना। ये सब को सुनकर तो यंग बोलता है कि जब ऐसा होगा ना तब की तब देखी जाएगी, लेकिन तुम्हें भी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और फिर दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ नॉड अपना न्यू सॉन्ग लिखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन परेशानी के कारण उसका दिमाग ही नहीं चल रहा था। और साथ ही वो तभी जी के बारे में भी सोचने लग जाता है, जिससे कि वो अपना सॉन्ग फटाक से रेडी भी कर लेता है उसके बारे में सोच सोच कर। और फिर वो जी को कॉल करता है और देखता है कि वो तो बाहर ही खड़ी थी। जी उसको देखकर कहने लग जाती है कि क्या होगा अगर तुम कल को बहुत ज्यादा फेमस हो जाओ लेकिन तुम्हारा बैंड बिल्कुल भी डिसबैंड नहीं होगा। नॉट फिर उसे शांत कराता है और कहता है कि फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बैंड हमारा सपना है जिसे मैं तो कभी भी नहीं तोड़ूंगा। फिर वो उसे पूछता है कि क्या तुम उससे कुछ कहना चाहती थी, तो जी फिर उसे अपनी सारी बातें बता देती है कि उसकी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही थी और तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के बाद ही हमारा लक भी एक्सचेंज हो गया है। ये सब कुछ सुनकर तो नॉट को काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, लेकिन वो भी उसका साथ देने का प्रॉमिस कर देता है और साथ ही वो उससे अपना लव कन्फेस भी करने लगता है। जी ने भी उसके लव को एक्सेप्ट कर लिया था और दोनों वॉक के लिए निकल जाते हैं। दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं कि तभी चाम नॉट को कॉल कर देती है, तो नॉट को लगता है कि उसे जी और उसके रिलेशनशिप के बारे में चाम को सब कुछ बता देना चाहिए। नेक्स्ट डे वो चाम को सब कुछ बता भी देता है और यहाँ चाम ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है कि उसे तो उनके रिलेशनशिप से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नॉट के जाने के बाद वो अपने मैनेजर से कहती है कि मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। नेक्स्ट डे फिर नॉट का इवेंट होता है, जिसे खत्म करने के बाद वो जी से कहता है कि चाम का हमारे रिलेशन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं जल्दी हमारा रिलेशन सबके सामने पब्लिक भी कर दूंगा। और ये बात यंग भी सुन लेता है, जिससे कि उसका तो दिल ही टूट जाता है। नॉट जी को उसके घर छोड़ देता है और रात बहुत हो गई थी और इसी बात का बहाना बनाकर वो उसके घर में रुकने को बोलता है और जी भी वहां जाती है। नॉट और जी रोमांटिक होने लग जाते हैं कि तभी नॉट को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां नर्स उसे बताती है कि हमें उनका हार्ट ट्रांसप्लांट जल्द ही करना होगा वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर तो नॉट काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो इतने सारे पैसे अचानक से कहां से लाएगा। जी फिर उसे मिक्स से हेल्प मांगने को कहती है और जब वो मिक्स से हेल्प मांगने के लिए जाता है तो मिक्स उसे पैसों के बदले न्यू कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कहता है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि वो अब से सिर्फ सोलो परफॉर्मेंस ही करेगा, लेकिन नॉट उसे इस काम के लिए मना करने लगता है। नेक्स्ट डे फिर नॉट अपने डैड से मिलकर उनके लकी होने के लिए माफी भी मांगने लगता है। बोलता है कि सिर्फ उसके कारण ही उनके साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हो पाया, हमेशा सब कुछ बिगड़ता ही गया। लेकिन डैड उसे बोलते हैं कि माँ बाप के लिए बच्चे तो कभी अनलकी हो ही नहीं सकते हैं, मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि मेरा बेटा मेरे साथ है। वहीं दूसरी तरफ जी भी अकेले बैठी सोच रही होती है कि अगर वो नॉट के साथ फिर से इंटीमेट होगी तो शायद उनका लक फिर से एक्सचेंज हो जाएगा और ऐसा हुआ तो नॉट का तो करियर पूरा का पूरा डूब ही जाएगा, जिससे कि जी तो फिर नॉट को अवॉइड ही करने लग जाती है। नॉट जी को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसका जी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता है। ये सारी बातें जी जाकर रिन को बताती है तो रिन उसे कहती है कि तुम्हें उसे अवॉइड करने की बजाय मिलकर इन सब चीजों के बारे में बता देना चाहिए। नॉट फिर जी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि तभी वो एक दिन उसके घर भी पहुंच जाता है, जहां जी उसे वहां से जाने को बोलती है। साथ ही बोलती है कि उसने तो कभी उससे प्यार किया ही नहीं था, वो तो बस उसकी बहुत ही अच्छी फैन थी। और ये सुनकर नॉट को काफी ज्यादा हर्ट होता है और काफी दुखी होकर वो वहां से चला भी जाता है। जी भी अपनी सारी बातों से बहुत ज्यादा हर्ट होती है। यंग इनकी सारी बातें सुन लेता है लेकिन नॉट से वो कोई भी बात नहीं करता। नेक्स्ट डे फिर नॉट मिक्स के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके सोलो परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसके इस मुसीबत के टाइमर सब ने उसका साथ छोड़ दिया था और वो सोच लेता है कि अब तो उसे किसी के साथ की जरूरत ही नहीं है। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का था तो इसलिए उसे चाम को 3 साल तक डेट करना होगा। मिक्स ने उनके बैंड को पूरी तरह से तोड़ दिया था और अब यंग और जीडी को दूसरे बैंड के साथ काम करने को कहता है, लेकिन जीडी और यंग ये मानने से साफ मना कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपनी कंपनी से ही निकाल देता है। और बैंड खत्म होने के बाद जी की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, वो फिर उसको भी निकाल देता है। जिसके बाद जी फिर जीडी और यंग को नॉट के ऐसा करने का कारण बता रही होती है कि उसके डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। ये सब को सुनकर तो जीडी की सारी बातों को समझ आता है, लेकिन यंग अभी भी वैसा ही था।
वहीं दूसरी तरफ नौटब चान के साथ एक्टिंग में काफी बिजी हो जाता है और बड़े बड़े रिपोर्टर्स फिर उनका डेली के डेली इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच जाते हैं, जिससे कि अब उसे काफी ज्यादा फेम मिलने लग गया था। और वहीं यंग अपना नया सॉन्ग अपलोड कर देता है जिस पर उसे काफी ज्यादा अच्छे व्यूज आ जाते हैं। व्यूज से याद आया दोस्तों कि मेरी वीडियो पे ना बहुत ही कम व्यूज आ रहे हैं, सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा ही मिलती रहे। सो कम बैक टू द मूवी, जीडी को भी एक ऑडिशन के जरिए एक पुराने सॉन्ग में काम मिल जाता है, जिससे कि उसे तो भाई एक के बाद एक सॉन्ग में काम मिलने लग जाता है। रिन ने भी जी को एक डेटा एंट्री की जॉब दिलवा दी थी और जी न्यू जॉब के लिए यहाँ वहाँ ट्राई भी करती रहती थी, लेकिन जॉब उसे मिलती ही नहीं थी। और वहीं दूसरी तरफ नॉट अपनी सेलिब्रिटी वाली लाइफ काफी अच्छे से जी रहा होता है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं थी, वो काफी दुखी रहता था। यहाँ पर यंग भी जी को डिनर करते हुए बताता है कि उसे म्यूजिक इंडस्ट्री में एक टीम बनाकर काम करने को मिला है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, जिसके लिए जी भी मान जाती है क्योंकि वैसे भी उसे तो जॉब की सख्त जरूरत भी थी। डिनर के बाद यंग जी को फिर उसका न्यू सॉन्ग सुनाता है और जैसे कि वो तो अपने गाने के थ्रू अपने दिल की बात बोल रहा था उससे, जैसे कि जी भी समझ आती है, लेकिन गाने की तारीफ करते हुए वो ना समझने का नाटक कर रही होती है क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी ना बोलकर। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और फिर एक दिन सभी साथ में एक इवेंट में मिलते हैं, जहाँ पर नॉट और चांग को तो बेस्ट कपल का अवार्ड मिलता है। जी अवार्ड के लिए नॉट को कांग्रेस कर रही होती है और उसके डैड की तबीयत के बारे में पूछती है। नॉट बोलता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है, जहाँ पर तभी यंग आकर नॉट को कांग्रेस करता है और जी को वहाँ से ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट डे दिखाया जाता है रोड क्रॉस करते हुए जी का तो एक्सीडेंट ही हो जाता है और वहीं नॉट जो कि काम से वहाँ पर आ रहा था वो जी को देखकर फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाता है कि तभी यंग जी को कॉल करता है, जहाँ नॉट की नजर जी के वॉलपेपर पे पड़ती है जिस पर उसका ही फोटो लगा हुआ था, जिसके बाद वो यंग को भी जी के एक्सीडेंट के बारे में बता देता है। यंग फटाक से अपनी बाइक लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल रहा होता है कि तभी जीडी आकर उसे न्यूज देता है कि उसका सॉन्ग बहुत ज्यादा वायरल हो गया, यानी कि वो तो ट्रेंडिंग पर चल रहा है। लेकिन यंग उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है और उसे जल्दी में जाते हुए देखकर जीडी भी उसके पीछे हॉस्पिटल पहुँच जाता है, जहाँ पर उसके फैंस उसके साथ फोटो लेने लग जाते हैं और यंग के साथ फोटो लेने की रिक्वेस्ट करते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे और इसलिए जीडी उन्हें एक रूम में ले आता है जहाँ पर नॉट जी के साथ में था। सभी फिर उनकी फोटो लेकर भी सोशल मीडिया पर मिर्च मसाला लगाकर डाल देते हैं, जो कि आग की तरह फैल जाती है और सारे रिपोर्टर्स शाम से इसके बारे में क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। और वहीं रिन को जी के बारे में न्यूज मिलती है तो वो भी फटाक से हॉस्पिटल पहुंच जाती है कि तभी चाम भी आकर जी के बारे में गलत गलत बोलने लग जाती है, जिससे कि रिन को काफी गुस्सा आता है, जोरदार थप्पड़ उसे मारती है। और वहीं पर उसका क्लाइंट भी जी को देखकर रोने लगता है। सबका रोना देखकर नॉट तो उसको शांत होने के लिए कहता है कि तभी डॉक्टर आके बताता है कि एक्सीडेंट से सर में चोट लगने के कारण हो सकता है कि जी की मेमोरी लॉस्ट हो गई हो। जैसे ही जी को होश आता है तो ये पता लगता है कि सच में उसकी रिसेंट की कुछ मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। सभी लोग फिर उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसका तो कोई फायदा नहीं होता, तो डॉक्टर सबको बताते हैं कि ये एक टेम्पररी मेमोरी लॉस्ट है और कुछ दिन में उसे सब कुछ अपने आप याद आ जाएगा। और वही नॉट रिन से लक एक्सचेंज वाली बात पूछते हुए कहता है कि क्या सच में ऐसा कुछ है। रिन फिर उसे बताती है कि बचपन से ही मैं जी की बहुत ही अच्छी दोस्त हूँ, बचपन से ही उसका लक बहुत ज्यादा अच्छा रहा है जितना उसका लक आज खराब है, और ऐसा तो कभी था ही नहीं। जब से वो तुमसे मिली है उसके बाद से ही उसके साथ में सब कुछ हो रहा है। नॉट फिर उसे पूछता है कि नाइट स्पेंड करने के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है क्या इसका। यंग भी ये सारी बातें सुन लेता है और वो तो उसका गलत मीनिंग ही समझ लेता है और नॉट से जाकर लड़ने लग जाता है कि तभी मिक्स नॉट को कॉल करके बुला लेता है। और वहीं चांग यंग को अपनी तरफ करने का सोच रही होती है, लेकिन यंग तो उसे उल्टा सुना कर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर नॉट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने ये क्लियर करने लग जाता है कि उसका जी के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है, वो तो बस फ्रेंड होने के नाते ही उससे हॉस्पिटल में मिलने के लिए गया हुआ था, जिसके बाद नॉट जी से ना मिल सके और इसलिए उसे एक्टिंग में काफी ज्यादा बिजी रखा जाता है। वो यंग और जी दोनों को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं देता है। और इसलिए फिर उसे जीडी से ये पता लगता है कि जी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है और यंग उसे अपने साथ ले गया है। और वही यंग जब जी को अपने घर लेकर आता है तो उसके रूम में बस उनके साथ की फोटो को देखकर जी उसे पूछती है कि क्या हम दोनों डेट कर रहे थे। यंग तो उसकी मेमोरी लॉस का पूरा पूरा फायदा उठाता है और कहता है कि हाँ हम दोनों साथ में ही थे।
साथ ही वो उसे ये भी बताने लग जाता है कि तुम नॉर्थ से प्यार करती थी लेकिन उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया था और इसलिए तुमने फिर मुझे डेट करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ जी के लिए काफी परेशान होकर रिन को कॉल करता है जहां वो उसे बताती है कि उसका अभी जी के साथ में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है, तुम उसके घर जाकर सीधा उससे क्यों नहीं मिल लेते। वहीं फिर रिपोर्टर्स जॉन से उसकी और नॉर्थ के रिलेशन की हालचाल के बारे में पूछने लग जाते हैं तो जॉन सबको बताती है कि उनका रिलेशन तो काफी अच्छा चल रहा है। साथ ही वहां पर उसे एक रिपोर्टर से ये पता लगता है कि नॉर्थ ने तो उसे उसके इंस्टा से ही अनफॉलो कर दिया है और ये जाने के बाद तो जॉन नॉर्थ से ही लड़ने लग जाती है। नॉर्थ उसे परेशान न करने को कहता है तो जॉन नॉर्थ का पीछा ही करने लगती है जब वो देखती है कि वो तुलसी के घर में पहुंचा हुआ है। लेकिन भाई नॉट को तुलसी उसके घर की वजह युंग के घर में मिलती है और वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। युंग बोलता है कि अब से वो मेरी गर्लफ्रेंड है और ये सुनकर तो नॉट जी को कहने लग जाता है कि ये झूठ बोलकर तुम्हारा ट्रस्ट गेन कर रहा है। सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और इसलिए मैंने तुम्हें डेली कॉल पे किया था। तो जी उसे कहती है कि लेकिन मेरे पास तो एक भी कॉल नहीं आया। नॉट फिर युंग से कहने लग जाता है कि इसका साफ मतलब तो ये है कि तुमने जी के फोन से मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया है। जिससे कि नॉट और यंग दोनों में ही जबरदस्त फाइट होने लग जाती हैं। जी उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन दोनों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, दोनों आपस में लड़े ही जा रहे थे और इसलिए जी वहां से चली जाती हैं। जैसे ही जी बाहर निकलती है तो चाम उसके पीछे जाकर उसे मारने वाली होती है कि जी का पैर फंस जाता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। मौका पाते ही चाम तो उसे किडनैप भी करवा लेती है और एक पुरानी बिल्डिंग में ले जाकर बंद कर देती है। जैसे ही फिर जी को होश आता है तो वो हेल्प के लिए आवाज लगाती है लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुनता। वहीं चांग जी के साथ में ये सब कुछ करके काफी खुश हो रही होती है लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो आखिरकार ऐसा सब कुछ क्यों कर रही है जबकि वो तो नॉर्थ से प्यार भी नहीं करती है तो इसका इन सब में क्या फायदा होगा। यहाँ पर नॉर्थ और यंग घंटों तक दोनों युद्ध कर रहे होते हैं जहाँ पर फाइनली फिर उनको जी की याद आती है तो वो यहाँ वहाँ देखती है लेकिन जी तो कहीं भी नहीं मिलती। वो उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं बट उसका फोन तो बंद आता है और इसलिए वो लोग फिर पुलिस को रिपोर्ट करने की सोचते हैं। नॉट के पास फिर चाम का कॉल आ जाता है जो कि उसे माफी मांगते हुए सब कुछ सच सच बताने लग जाती है कि उसने ही जी को एक पुरानी सी बिल्डिंग के रूम में बंद किया है लेकिन अब वो रूम मिल ही नहीं रहा है। युंग और नॉट फिर जल्दी से बिल्डिंग पहुँच कर जी को ढूंढने लग जाते हैं जहाँ पर युंग जी को पहले ढूंढ लेता है और ढूंढते ही वो तो उसे हक ही कर लेता है। नॉट ये सब कुछ देख रहा होता है और दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और मिक्स एक मीटिंग कर रहा होता है जहां उसे कुछ एम्प्लॉय जीडीयू और यंग को वापस बुलाने के लिए बोलते हैं लेकिन मिक्स उन्हें लाने के लिए साफ इनकार कर देता है। नॉट यंग को कॉल करके दोबारा से अपने बैंड को शुरू करने के लिए पूछता है लेकिन जी वहां पर आकर देखती है कि यंग तो अपने आने वाले सोलो परफॉर्मेंस के लिए काफी नर्वस है जिससे कि वो उसे कंफर्ट करने लग जाती है और वही सब बोलती है जो कि एक टाइम पर यंग ने उससे बोला था। तो यंग भी समझ आता है कि जी नॉट से दूर रहने के लिए अपनी मेमोरी लॉस्ट का नाटक कर रही थी यानी कि उसे सब कुछ याद है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, देखते हैं हम सब लोग साथ में होते हैं जहां पहले यंग अपना सोलो परफॉर्मेंस देता है और फिर नॉट अपनी परफॉर्मेंस देने लगता है जिसके बाद नॉट तो फिर अपने पूरे बैंड के साथ में एक बार फिर से अपना परफॉर्मेंस देता है और सब ये देखकर काफी शॉक हो जाते हैं और सारी की सारी ऑडियंस को ये काफी पसंद भी आता है लेकिन मिक्स को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उनको दोबारा से साथ होने का सारा इल्जाम जी पर लगाकर ही चला जाता है। नॉट फिर सबके सामने जी के लिए अपना लिखा रोमांटिक सॉन्ग गाने लगता है और उसे हग कर लेता है। जी भी काफी खुश हो जाती है और फिर नॉट जी को अपने घर लेकर आता है जहां फिर से दोनों इंटीमेट होते हैं। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जब जी की आँख खुलती है तो नॉट तो वहाँ पर नहीं होता लेकिन उसे उसका लिखा हुआ लेटर जरूर मिल जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि जो लाइफ तुमने मेरी वजह से इन दिनों गुजारी है ना वो तो मैं बचपन से ही जीता आ रहा था और इसलिए अब मैं तुम्हारा लक तुम्हें वापस कर रहा हूँ लेकिन ये कभी भी मत भूलना कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। धीरे धीरे करके न्यूज से ये पता लगता है कि नॉट ने सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दी है और चाम भी सभी के सामने ये एक्सेप्ट कर लेती है कि वो और नॉट तो बस बिजनेस प्रैक्टिस के लिए ही साथ में थे और ऐसा करने के लिए मैनेजर और कंपनी ने ही उन्हें कहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम 3 महीने बाद देखते हैं जी का लक उसके पास वापस आ गया था जिससे कि उसकी लाइफ भी काफी खूबसूरत हो गई थी पहले जैसी और फिर से पहले की तरह ही वो सेटल भी हो गई थी लेकिन नॉट को वो बहुत ज्यादा मिस भी करती थी। तभी एक दिन वो अपने एस्ट्रोलॉजर को न्यूज पर ये कहते हुए सुनती है कि सभी राशियों का भाग्य बदलने वाला है। फिर वो एस्ट्रोलॉजर जी से मिलने के लिए उसके घर ही पहुंच जाती है। जी फिर उससे नॉट के बारे में पूछने लग जाती है तो वो एस्ट्रोलॉजर बोलती है कि मैं तो सिर्फ भविष्य ही बता सकती हूँ कि क्या होने वाला है न कि इंसानों के बारे में।
जहाँ पर फिर अचानक से रिन को लीवर पेन होने लग जाता है। जी उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ वो एक नन्ही सी बेबी को जन्म देती है जो काफी ज्यादा प्यारी थी। जैसे ही मिक्स फिर अपनी बेटी को देखने के लिए आता है तो रिन उसे वहाँ से भगा देती है, ये कहकर उसे जाने के लिए बोलती है कि उसकी बेटी को अब उसकी कोई भी जरूरत नहीं है और मैं उसे अच्छे से पाल लूंगी। वहीं फिर जीडी और युंग अपने अपने टैलेंट पर बहुत ही आगे बढ़ चुके थे और मिक्स का बिजनेस बिल्कुल ही ठप हो चुका था, जिसके कारण ही वो जीडी और युंग से फिर से अपनी कंपनी को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है। तो जीडी उसके सामने ये कंडीशन रखने लग जाता है कि उसे नॉट को ढूंढकर वापस लाना होगा, जिससे कि मिक्स भी उनकी कंडीशन मान जाता है। और अब हम नॉट को एक बार में गाते हुए देखते हैं जहाँ युंग भी था, यानी कि उसे नॉट के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था और वो उसको वापस से बैंड में आने के लिए कहता है। बोलता है कि सब तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं, खासकर जी, जिस पर नॉट बोलता है कि नहीं नहीं मैं फिर से आकर सब कुछ खराब नहीं करना चाहता, ये भी नहीं चाहता कि मेरे लक के कारण बाकी सबकी लाइफ खराब हो जाए। युंग फिर उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसे कि हम पहले साथ मिलकर सारी मुसीबतों को साथ में झेलते थे और वैसे ही हम अभी भी कर सकते हैं, लेकिन नॉट उसकी बात नहीं मानता और कंट्री छोड़ने का डिसाइड कर लेता है। युंग को फोन पर बोल रहा होता है कि उसकी फ्लाइट 10 बजे की है। जैसे ही युंग टाइम देखता है तो अभी तो 8 ही बजे हुए होते हैं और वो जल्दी से जी के पास जाकर बोलता है कि वो जा रहा है देश छोड़ के। जी उसके साथ बाहर में जाती है जहाँ नॉट जी को देख कर भागने ही वाला होता है। जी उसे रोकते हुए कहती है कि प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। जी को रोता हुआ देख कर नॉट रुक जाता है और उसे आके फटाक से हग कर लेता है। सीन शूट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग हम दोनों को एक साथ में सोता हुआ देखते हैं जहाँ नॉट बोलता है कि लक एक्सचेंज करने का ये तो काफी अच्छा तरीका है जो कि मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया। जी भी उससे बोलने लग जाती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आज तुम इसे यूज कर लो और कल मैं यूज कर लूंगी। जिसके बाद हम फिर से पूरे बैंड को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखते हैं जहाँ सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और इसी खुशी के साथ दोस्तों इस ड्रामा का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। सो इस स्टोरी से दोस्तों में ये पता चलता है कि हमें अपनी लाइफ में टोटली लक पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें हमेशा मेहनत करते हुए ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, लक हमेशा ही हमारा साथ देगा। सो गाइस मुझे तो ये कहानी बहुत ही ज्यादा पसंद आई और अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस लिख के मुझे जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी ऐसी ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए।